सिम्फनी ऑफ इंडिया। दिल्ली के दरियागंज इलाके से रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। शादी के 25 साल बाद तीन जवान बच्चों की मां ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या महज इसलिए कर दी कि वो अब अपने पति से खुश नहीं थी और पति से छुटकारा पाकर अपने फेसबुक प्रेमी से शादी करना चाहती थी। स्पेशल स्टाफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम ने लगभग 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज व 100 से अधिक लोगों से पूछताछ कर ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए मृतक मोइनुद्दीन की 40 वर्षीय पत्नी जीबा कुरैशी, मृतक की पत्नी का मेरठ निवासी 29 वर्षीय प्रेमी शोएब व गाजियाबाद निवासी 29 वर्षीय कॉन्ट्रैक्टर किलर विनीत गोस्वामी को दबोच लिया है। इसमें हमने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मामला दरियागंज का है। 17 तारीख की रात को दो लोग हमारे इलाके में मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने एक वहीं के रहने वाले शख्स मोइनुद्दीन कुरैशी, जिनकी उम्र 49 वर्ष है, को गोली मारकर हत्या कर दी। और इस मामले में हमने इस गुत्थी को सुलझा लिया, तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कि मृतक की जो पत्नी है वो ही इसके मामले की मास्टरमाइंड पाई गई है। डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान ने बताया कि दिनांक 17 मई 2022 की रात करीब 10 बजे दिल्ली के दरियागंज की घनी आबादी वाले कालिदास रोड स्थित सरदारनी सदक और खालसा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के गेट नंबर 3 के सामने फायरिंग की सनसनीखेज घटना हुई थी। दरियागंज निवासी शिकायतकर्ता 47 वर्षीय रुकमुद्दीन कुरैशी ने बताया कि उनके बड़े भाई मोइनुद्दीन कुरैशी वर्कशॉप पर मौजूद थे। रात करीब 10 बजे जब उनके बड़े भाई मोइनुद्दीन कुरैशी गेट नंबर 3 खालसा स्कूल के पास पेशाब करने निकले तो अचानक फायरिंग की आवाज सुनी और दौड़कर देखा कि उनके भाई के शरीर से खून बह रहा था। घायल मोइनुद्दीन कुरैशी ने उसे बताया कि किसी ने उस पर गोली चला दी है। शिकायतकर्ता उसे LNJP अस्पताल ले गया, जहां उसके भाई मोइनुद्दीन कुरैशी की गोली लगने से मौत हो गई। दिनांक 18 मई 2022 को थाना दरियागंज में FIR संख्या 191/22 धारा 302 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। दरियागंज जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में गोली मारकर हत्या की वारदात में हार्डकोर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान ने खुद अपनी सुपरविजन व योगेश मल्होत्रा ACP ऑपरेशन के नेतृत्व में इंस्पेक्टर राजकुमार थाना दरियागंज, इंस्पेक्टर मुकेश अंतिल, SHO आनंद पर्वत, SI संदीप गोदारा, AATS और इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा स्पेशल स्टाफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की कई जॉइंट टीमों का गठन किया। जांच टीमों ने क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV कैमरों के साथ मोबाइल CDR डंप डेटा को भी खंगाला। दिल्ली में हुई गनशॉट हत्याओं व गोलीबारी की घटनाओं के सिमिलर केसेस को स्कैन किए। एक टीम क्राइम सीन पर बदमाशों के आने व भागने के रूट की जांच कर रही थी। CCTV फुटेज से पता लगा कि बदमाश अपाचे मोटरसाइकिल से आए थे। जांच के दौरान टीम को क्राइम सीन से थोड़ी दूरी पर तारा प्लेस होटल के पास वारदात में इस्तेमाल बाइक खड़ी मिली। जीपनेट पर चेक करने पर पुलिस को पता चला कि यह बाइक मेरठ इलाके से चोरी की गई थी। चोरी की बाइक का मेरठ से लिंक निकलने पर DCP श्वेता चौहान ने अंदाजा लगाया कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश मेरठ के हो सकते हैं। टीम ने क्राइम सीन का मोबाइल डंप डेटा खंगाला तो मेरठ के 3 सस्पेक्ट मोबाइल नंबर मिले, जो कि वारदात के समय क्राइम सीन के आसपास थे और वारदात के बाद मेरठ में एक्टिव थे। टीम को लगा मामला क्रैक हो गया। टीम ने तुरंत तीनों सस्पेक्ट मोबाइल मालिकों को मेरठ से उठा लिया, लेकिन जांच में पता चला कि यह तो मात्र दुकानदार थे जो कि मेरठ से चांदनी चेक कूलर का सामान लेने आए थे और अपनी गाड़ी दरियागंज में पार्क करके चले गए थे। टीम ने हिम्मत नहीं हारी और सबसे पहले क्राइम सीन के आसपास लगे सभी CCTV फुटेज को बारीकी से खंगाला, मुखबिरों का जाल बिछाया। जिस रूट से बदमाशों के भागने की आशंका थी, जांच टीम ने उस रूट पर पड़ने वाले सभी कॉर्नर्स, मल्टीपल टर्न्स, मकानों, दुकानों, बस स्टॉप और रेड लाइट पर लगे CCTV फुटेजों को खंगाला। क्राइम सीन से कई किलोमीटर के दायरे में लगे 500 से अधिक एक CCTV कैमरे को खंगालने पर टीम ने देखा कि बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को चकमा देने के लिए दिल्ली में कई जगह ऑटो बदला और अंत में मेरठ की तरफ भाग गए। एक टीम मृतक की पत्नी, बच्चों, मित्रों व रिश्तेदारों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालने में लगी हुई थी। टीम ने मृतक की पूरी फैमिली के साथ उनके दूर के रिश्तेदारों, दोस्तों आदि के कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले ताकि कब कहां से किसी किसी के मोबाइल से मेरठ का लिंक मिल जाए। क्राइम टीम ने मृतक की पत्नी व बच्चों के नंबरों को भी रडार पर रखा हुआ था, लेकिन उनके नंबरों से यह पता चलता था कि यह कुछ लोगों से तो बात करते हैं, लेकिन जितने भी लोग थे सब रिश्तेदार थे या दोस्त थे जिनका मेरठ से कोई संपर्क नहीं था। टीम अंधेरे में थी। धीरे धीरे काफी समय निकल रहा था, लेकिन टीम लगी हुई थी कि किसी भी हाल में आरोपियों को खोजना है। टीम को कॉल डिटेल रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला, लेकिन मृतक की पत्नी की व्हाट्सएप कॉल डिटेल खंगालने पर बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। मृतक की पत्नी व्हाट्सएप कॉल से दिन में कई कई बार एक नंबर पर घंटों घंटों बात करती थी।
जो कि यह बात मृतक की पत्नी ने पुलिस से छुपाई थी। जांच टीम ने उस नंबर को क्रॉस चेक किया तो पता चला कि मृतक की पत्नी ने उस नंबर पर कभी नॉर्मल कॉल ही नहीं की थी, इसलिए यह नंबर कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पकड़ में नहीं आया था। डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान को समझते देर नहीं लगी कि हो न हो मृतक की पत्नी का सस्पेक्ट नंबर पर नॉर्मल कॉल न करके व्हाट्सएप कॉल करने के पीछे कोई न कोई राज जरूर है। सारी निगरानी व छानबीन करने के बाद टीम को लगा क्यों न इस नंबर को टटोला जाए। टीम ने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से संपर्क कर सस्पेक्ट नंबर की डिटेल मंगवाए तो नंबर मेरठ निवासी किसी शोएब नामक व्यक्ति का निकला। सस्पेक्ट शोएब के मोबाइल सीडीआर से पता चला कि उसका फोन हमेशा ऑन रहता था, लेकिन वारदात वाले दिन उसका 3 घंटे तक मोबाइल बंद था। मेरठ का लिंक मिलते की टीम को मृतक की पत्नी जीबा कुरैशी पर शक गहरा हो गया। टीम ने जीबा कुरैशी के मोबाइल की फोटो गैलरी को खंगाला तो देखा कि उसने सभी फोटो व वीडियो डिलीट कर दिए थे, लेकिन गूगल ड्राइव से फोटो व वीडियो डिलीट करना भूल गई थी। जांच टीम को मृतक की पत्नी जीबा कुरैशी के गूगल ड्राइव में शोएब की फोटो मिली, जो कि मृतक पर हमला करके भाग रहे एक बदमाश से काफी हद तक मैच खा रही थी। शोएब खुद मौके पर आया है मोटरसाइकिल चलाकर और अपने साथ एक और व्यक्ति को लाया, जिसको उसने 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी और उसने गोली चलाई है। तो इसमें हम लोगों ने सीसीटीवी की मदद से, सीडीआर के एनालिसिस से और जो फ़ोन के अंदर जो डेटा कभी डिलीट हो जाता है उसको रिट्रीव करके हार्ड ड्राइव्स के जरिए हमने इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और सुलझाया। डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान को अब मृतक की पत्नी पर पूरा शक हो गया था। साथ में यह भी डर था कि अगर मृतक की पत्नी को सीधे गिरफ्तार करते हैं तो वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश सावधान हो जाएंगे, जिससे उनको दबोचना मुश्किल हो सकता है। जांच टीम ने मृतक की पत्नी के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे उन्हें उसके ऊपर किसी प्रकार का शक नहीं है। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को दबोचने के लिए डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान ने एक योजना बनाई। योजना के तहत यह बात फैलाई गई कि मृतक के सभी रिश्तेदारों, दोस्तों व परिवार के सदस्य जिन जिन लोगों से मोबाइल पर बात करते हैं सभी को जनरल पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। टीम ने मृतक की पत्नी के सामने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया और नाम पता पूछकर जाने दिया। मृतक की पत्नी को जब पूरा विश्वास हो गया कि पुलिस टीम को उनके ऊपर किसी प्रकार का शक नहीं है तो उसने अपने प्रेमी शोएब को फोन करके पुलिस पूछताछ के लिए आने को कहा। जैसे ही शोएब आया टीम ने उसे दबोच लिया। कड़ी पूछताछ में ब्लाइंड मर्डर की सभी परतें खुल गई। शोएब की गिरफ्तार से मृतक की पत्नी जीबा कुरैशी भी टूट गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद मृतक की पत्नी जीबा कुरैशी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जीबा की शादी करीब 25 साल पहले हुई थी और उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं और ये सभी बालिग हैं। जीबा का पति मोइनुद्दीन कुरैशी प्रॉपर्टी डीलिंग कारोबार से जुड़ा था और उसे पतंगबाजी और शराब पीने का शौक था। जीबा अपने पति से खुश नहीं थी, वो पति से छुटकारा पाना चाहती थी और किसी और शख्स के साथ निकाह करना चाहती थी। करीब 2 साल पहले जीबा फेसबुक के जरिए आरोपी मेरठ के रहने वाले शोएब के संपर्क में आई और उसके बाद दोनों की मुलाकातें शुरू हो गईं। शोएब भी शादीशुदा व एक बच्चे का पिता था। दोनों कभी भी नॉर्मल कॉल पर बात नहीं करते थे, बात करने के लिए व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल करते थे। साथ ही जब कभी एक दूसरे को कोई मैसेज देना होता था तो व्हाट्सएप की सेटिंग में अबाउट में जाकर मैसेज लिख दिया करते थे। शोएब जिम सप्लीमेंट का काम करता है। जीबा ने शोएब को उसके पति की हत्या करने और उससे शादी करने का लालच दिया और उकसाया। उसके बाद आरोपी शोएब ने कॉन्ट्रैक्ट किलर की तलाश की। बाद में शोएब गाजियाबाद के विनीत गोस्वामी के संपर्क में आया और उसने रुपए के एवज में मोइनुद्दीन कुरैशी को मारने के लिए 6 लाख में हामी भर दी। जीबा कुरैशी के कहने पर विनीत गोस्वामी और शोएब ने कई बार मोइनुद्दीन की रेकी की, लेकिन भीड़भाड़ वाली जगह होने के चलते विनीत गोस्वामी दरियागंज में वारदात को अंजाम नहीं दे सका। ऐसे में विनीत ने शोएब से हत्या करने के लिए किसी और शख्स की मदद की मांग की, लेकिन शोएब किसी और शख्स को नहीं ढूंढ सका। दूसरी तरफ जैबा शोएब पर अपने पति की हत्या करने और जल्द से जल्द उसके साथ निकाह करने के लिए जोर दे रही थी। वो अपने पति से जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। अंत में शोएब ने विनीत के साथ मिलकर मोइनुद्दीन की हत्या करने की ठान ली। शोएब ने मेरठ से एक चोरी की मोटरसाइकिल की व्यवस्था की और आरोपी विनीत गोस्वामी को 17 मई 2022 को एक बंदूक के साथ दिल्ली आने के लिए कहा। उसी दिन रात करीब 10 बजे जब मोइनुद्दीन कुरैशी खालसा स्कूल के गेट नंबर 3 के पास पेशाब कर रहे थे तो आरोपी विनीत गोस्वामी ने उन्हें काफी नजदीक से गोली मार दी और दोनों वहां से फरार हो गए। पुलिस ने तकरीबन 8 दिनों में हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए, 1 देसी कट्टा, 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है जो वारदात के लिए इस्तेमाल की गई थी। मर्डर की मास्टरमाइंड मृतक मोइनुद्दीन की पत्नी 40 वर्षीय जीबा कुरैशी दरियागंज में अपने पति के साथ रह रही थी। इसने 8वीं तक पढ़ाई की है और वो एक गृहिणी है।
मृतक मोइनुद्दीन कुरैशी से इसकी शादी करीब 25 साल पहले हुई थी। इसके दो बेटे और एक बेटी है, सभी बालिग हैं। पति 10 साल बड़ा था और अक्सर मारता पीटता था, इसलिए फेसबुक पर मिले प्रेमी शोएब से कहकर अपने पति की हत्या करवा दी। मृतक की पत्नी का 29 वर्षीय प्रेमी शोएब पुत्र यमीन मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसने 12वीं तक पढ़ाई की है। करीब 4 साल पहले इसकी शादी हुई थी। इसका नाबालिग उम्र का एक बेटा है। यह हेल्थ सप्लीमेंट्स के कारोबार से जुड़ा हुआ है। तीसरा आरोपी 29 वर्षीय कॉन्ट्रैक्टर किलर विनीत गोस्वामी पुत्र सुंदर गोस्वामी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसने 9वीं तक पढ़ाई की है और एक वर्ष पहले ही इसकी शादी हुई है। यह बेरोजगार और आदतन अपराधी है और इसके खिलाफ थाना ब्रह्मपुरी मेरठ में एक व थाना कवि नगर गाजियाबाद में 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।